हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं मेरे सुपर जूनियर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोनित और मेरे साथ में आज जया और नन्हे छोटे छोटे बच्चे लोग, एक दो जन। इसका नाम है सुदीप और ये है खेलिका और इसका नाम है अनमोल। तो फिर से अभी हम लोग है सरायगढ़ के आबादियों में। तो आज हम लोग जा रहे हैं शायद जंगल में साग सब्जी खोजने। पहला वाला वीडियो में तो आप लोग देखे हुए हैं हम लोग मशरूम खोजने गए थे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग साग खोजने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा साग है, क्या नाम है जो है साग का, नाम थोड़ा बता दो हम लोग का जनता को। साग नहीं है, फूल है। हाँ तो फूल है क्या, फूल का क्या नाम है? जिल्होर फूल। तो बस एक ही साग खोजने, और कुछ साग नहीं है, फूल है। फूल है ना, फूल है तो एक ही फूल खोजने और कुछ। और चिड़िया मारना। चिड़िया मार रहे हैं, ठीक ना। चखना उखना एक दो तो जो भी मिलेगा आपको हम लोग के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में बने रहो। सुबह का 8 बज रहा है और हम लोग अभी आए हैं केकड़ा पकड़ने। और देख सकते हो अनमोल यहाँ पर ही मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं काट ना दे करके। केकड़ा की नहीं फेंक दे सब देख सकते हो ये सब केकड़ा गड्ढा खोद रहा है। 5 मिनट हो गया अभी तक केकड़ा मिला नहीं है, पर देख सकते हो गड्ढा खोद के कितना बड़ा कर दिया है। हेडिन है ये दे एक नंबर। कौन बनेगा डॉन है सर, पूरा दिखा दे पूरा। बताओ अनमोल कैसे पकड़ते हैं, टेक्निक कैसे है इसका, थोड़ा हम लोग का जनता भाई बहन लोग को बताओ थोड़ा। ऐसे देखो पत्थर सबको साइड करना पड़ता है, बड़ा बड़ा पत्थर ऐसे निकलता है और ऐसे निकलता है। ये देखो चखना, ये एक नंबर। तो अभी हम लोग केकड़ा पकड़ के जा रहे हैं घर। अभी घर में जाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे पहाड़ चढ़ने। पहाड़ में आज हम लोग शायद 2-3 प्रकार नया नया साग सब्जी है वहाँ पर मिलता है करके जया बोल रही थी। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर आपको ले चलते हैं पहाड़ में। तब तक ब्लॉग में बने रहो। अभी दोस्तों हम लोग केकड़ा पकड़ के आ गए हैं और यहाँ पर जया कटहल का सब्जी बना रही है, देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बनाई है पूरा देसी स्टाइल में। चेयर के लगा फिर दे मैं चिल्लवा तू ना चेयर लगा तू इसको खाओगे पविता मस्त लग रहा है पूरा पविता बन जाओगे। आज कौन सा पोहा बना रही है जया, थोड़ा बता हम लोग का सब्सक्राइबर लोग को। पोहा तो पोहा ही बनता है, कौन सा पोहा, कुछ स्पेशल है कि ऐसे ही। तो बता क्या क्या मिलाई है थोड़ा हम लोग का सब्सक्राइबर लोग को। नहीं दिख रहा है क्यों आलू नहीं दिख रहा है, आलू ये आलू है, ओ मतलब कुरकुरे डाली है आलू डाले। ये गांव का पोहा बना है लाल वाला। हां पूरा खेत से निकाले है चूड़ा को ना। चूड़ा खेत से निकलता है? चूड़ा तो कहां से निकलता है? निकलता खेत से, पर अभी खेत से ही निकाल लिया क्या। तो अब की हम ए अनमोल हम लोग अभी खेत से लाए कि नहीं बता दो। हां एक रहे तो थोड़ा अच्छा से खेत। नहीं 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 तो लेना ही होगा भैया। जया अभी पोहा बनाई है। हम लोग फुल जुगाड़ होकर पूरा तैयारी के साथ अभी जाएंगे हम लोग पूरा पहाड़ चढ़ने। देख सकते हो ये क्या बोलते हैं इसको, गोड़ में लगा देने के पूरा गप गप आके दे पिछले बार कुकड़ी बेचने आए थे तो कितना मच्छर काटा था, इस बार बताते हैं चेहरा सब में भी लगाते हैं नहीं यार। ये बताओ तीर धनुष कैसन बनाल जाए, तुम्हें तो बना इसकी कैसन, तुम ओरे बना लेगी ओरे बना लेगी दिखाओ तो बेटे। ये आगे में लोहा के ये लोहा के रे गए ना। हाँ। और इगो मांस के रे मांस के अरे ने पाइंट के इगो इगो का के रखे ये पाइंट
मुर्गी के रखे पंख ने मुर्गी के मिंजूर के लगे इंजूर का ले मिंजूर मयूर का पैक भी लगे अच्छा मुर्गी के भी लगे और यहाँ आगे में कोनो लगाए के मारन की इसने सादा इसने सादा सादा ने और यहाँ तो सर को आके रेती बाती बना ले और सर को आके ले को आके लो जान रहे पीलू कसर अच्छा हाँ हाँ ओ जे गोटे अंडा लेखे रहल जे हाँ एखन जान लो देख सकते हो तीर कैसे बनता है और धनुष के कैसे रबर रबर उबर देखे बांस के रखे और दोनों बांस के रखे यहाँ डोरा के लगा ले हैं हाँ डोरा वाले कैसे हमार हाथ से बना लोला हाँ हाँ ऐसे चाहल जल बैंड करके ने और इगो रबर है कि कैसे ये बांस के रहेगी सब बांस के रहेगी और खाली रस्सी ने हां ये रस्सी खाली हां जमो तो रबर रही जैसे लग रहा है कौन दस से खेल रही संधारण ने इसे मारल दे ऐड जाप एक आग को एकन मार अब चला चली ता पाएंगे हालत खराब हो गया यार थोड़ा सा दूर में अब उतना ऊपर चढ़ना है तब तक तो टाणा में तेरे कौन सा टाइम है पेंगुइन कितना मतलब कितना नंबर ये मतलब तू यहाँ पहाड़ चढ़ने वाली कितना नंबर हम कभी चढ़े ही नहीं इतना बार गांव आए अरे गई थी जो मशरूम तोड़ने भूल गई तू पहाड़ के अंदर थोड़ी इधर गए थे जंगल साइड साइड में था पूरा पहाड़ के ऊपर नहीं हम लोग पूरा ऊपर चढ़ेंगे इस बार हम लोग पहाड़ के पूरा टॉप में जाने वाले जिलोर फूल तोड़ने जिलोर फूल तोड़ने जा रहे हैं आपको दिखाते हैं कैसे दिखता है कैसे दिखता है नहीं रे देखने का तो सबको ही देखे होंगे ना मतलब पेड़ में कैसे दिखता है हाँ कि नहीं हम लोग फर्स्ट टाइम वो दिखाएंगे फूल दिखाएंगे वैसे भी नॉर्मली जिलोर फूल इतना सब तरफ मिलता नहीं और आपको एडवेंचर दिखाएंगे कैसे अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं कैसे क्या मुसीबत आने वाला है और क्या क्या होने वाले हैं हम लोग के साथ तो वीडियो में बने रहो और ये देख सकते हो चार गज ऐसा नहीं ये कुछ भेलवा का पेड़ है केद है हां पेड़ अरे ये तो कच्चा है इसको खाते हैं क्या कई केद है ऑरेंज कलर वाला टाइप के ओहो ये मान जी मुंह में फिर ना लगा दे मान जी के ना घाव निकल हम मान जी के फेंक के दे चला हूं रुको ये भेलवा क्या फल है भाई ये कुछ भेलवा ऐसा ले रहा है मीठा है थोड़ा कसा थोड़ा मीठा थोड़ा अच्छे से नहीं पका है ना खा भाई ना कसा कसा ही लग रहा है मेरा मौसा मछली मछली छोड़ा है मछली और केकड़ा उकड़ा नहीं है केकड़ा है बड़ा हुआ तो निकाल के खाना पड़ेगा क्या जंगल के बीच में कुआं मछली आया है दिशा दे जंगल वाला पोखरा ये वाला साग आएगी कौन ऐसे की हाँ साग ही की सारा साग भर गया पानी क्या साग है ये वाला चिरमिचा साग चिरमिचा साग देख सकते हो चिरमिचा चिरमिचा साग ऐसा जंगल में आपको देखने को मिलेगा कल आएंगे चिरमिचा साग खाने अभी हम लोग शायद 2 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी जंगल के भीतर घुसना पड़ेगा हाँ अरे पानी अभी जंगल का क्लीन पानी कैसे पीते हैं आपको दिखाएंगे देखिए कैसा लगा था मिठाई चिंगड़ी क्या पेंगुइन कौन सा सैल्यूट था और हाँ वो रहा अनमोल देख सकते हो लाल गंजी वाला ये हम लोग का सिग्नल है अभी हम लोग शायद 3 किलोमीटर चढ़े हैं और हम लोग का पहाड़ी निकलना स्टार्ट और शरीर को अभी क्या मांग रहा है पेंगुइन पानी पानी वैसे तो हम लोग चढ़ने में बहुत कुछ पकड़े हैं देख सकते हो बहुत कुछ नहीं पिछले बार जो पकड़े थे डॉन ब्रेड वही है और टेढ़े मेढ़े कुरकुरे जो जो है वही सब है ये देख सकते हो आप लोग अभी हम लोग पहाड़ के ऊंचाइयों में चढ़ रहे हैं
और हम लोग सांसें फूल चुकी है, पर फिर भी चढ़ेंगे और आप लोग आपको वो फूल तक लेके जाएंगे। फल नहीं है ये, पास्ता है। जंगल में पास्ता, ये जंगली पास्ता। नहीं कौन सा पास्ता, नहीं देसी वाला पास्ता है वो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पास्ता खाना है वो। खा। नहीं मुझे पास्ता वैसे भी पसंद, फिर बनाएंगे। मुझे चीजी पास्ता पसंद है। तो इसमें चीज डाल देंगे। तो मौसा एखन हमारे कितना ऊपर चढ़ी बताओ गड़ी। पहाड़ के राधा, पहाड़ के राधा। 50 भाग चढ़ चुकी थी ने, 50 और 50 चढ़ ले आधा पूरा सराई के फूल पाप का। यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं आप लोग। जब भी पहाड़ चढ़ोगे तो थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, फिर चढ़िएगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, फिर चढ़िएगा। ये पानी के कर चिना है, पानी देवा नहीं। हाथी भाग में नहीं आवा नहीं, ये बाग बनावा है इनकी। बीच बीच में, बीच बीच में काले थक गए। जो फूल हम लोग तोड़ने आए हैं वो ये है, इसका नाम है देख सकते हो जिलेर फूल। ये लोग ये फूल को आप लोग मार्केट में भी देखे होंगे बेचते हुए, पर्पल कलर का होता है, छोटा छोटा होता है। तो आप लोग इतना मेहनत करोगे तब जाके ये फूल आपको मिलेगा। देख सकते हो कितना पसीना निकला है हम लोग का, इसका थोबड़ा भी देख सकते हो, बहुत थक गए। तो ये फूल सब इतना आसानी से नहीं मिलता है, पहाड़ चढ़ोगे ही तो मिलता है। तो अभी तो 10% हम लोग को फूल ऐसा कुछ मिला है। ये देख सकते हो यहाँ पर अनमोल भी तोड़ रहा है, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ के हम लोग को वहाँ से पूरा फूल कलेक्ट करना है। तो वीडियो में बने रहे, देख सकते हो फूल। एक पेड़ का ना चली, ये देख सकते हो गाइस, ये गड्ढा लोग आपको पता चल रही नहीं पता नहीं, पर ये गड्ढा सब भरा भालू ये सब कोड़े हैं, इधर देख सकते हो। अरे गमछा को ऐसे बांध दिए पेंगुइन, क्या बात, थोड़ा बता राज क्या है इसका। अब यार हम फूल ऐसे कर रहे, फेंक रहे डंडा को रख रहे होता है, होता है फूल रखने के लिए, इजी होगा ना, तोड़ेगा डालेगा, थैला बनाइए। आसामी लोग जैसे चाय तोड़ के पीछे फेंकते हैं, हम लोग फूल तोड़ के आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जिलेर फूल शायद आधा केजी से ऊपर हम लोग जमा कर चुके हैं, सारा का मिलाएंगे तो, सब कोई का मिलाएंगे तो। और देख सकते हो सीन कैसे ऐसे रास्ता बीच में खत्म हो गया। कितना रुपया एकदम? 5 रुपया। बीच में अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, 5 रुपये वाला डोन लाया। 5 रुपया पहले से थोड़ा चीनी कम डाला गया, थोड़ा सूखा सूखा ब्रेड लग रहा है। ब्रेड के पीछे क्या लिखा है, मेन कैरेक्टर? यस, हमें तो मेन कैरेक्टर। तू तू साइड रोल के लिए भी नहीं है। तू यार रे अम्बा बगई का अभी हम लोग पूरा पहाड़ का टॉप में आ गए हैं, और यहाँ पर ही पूरा जिनोर फूल, पूरा चारों तरफ जिनोर फूल है। और देख सकते हो कितना ज्यादा हम लोग तोड़े हैं, देख सकते हो। जिलेर फूल। तो दोस्तों ये शायद मौसा और मौसी शायद अभी बोल रहे थे, ये शायद हाथी का गोबर है। तो अभी मुझे लगता है ये जंगल में हाथी ये रास्ता में आना जाना करते हैं, तो हम लोग अभी सेफ होकर थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहो। चलो चलो, कितना फूल तोड़ ले बेटा, खाए दे सकती अभी। बागे खेकरा मारे जी आपने,
हमर तीन एखन कितना ठो है दुई ठो खाली खेकरा हां दुई ठो है वापी कम से कम और पांच छह ठो मारले हो गए ने या और तो धर के जा पता नहीं कौन सा गांव है पर आप लोग को दिखाते हैं एक दो घर यहाँ पर इस दिख रहे हैं हम लोग को जो ये देख सकते हो इधर है दो चार घर ये वाला करडा झारबेड़ा ये बड़े भी झारबेड़ा है और बड़े को तो वहाँ पानी टंकी दिशा दे वाला ओ अभी हम लोग फूल तोड़ के ख़त्म कर लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ मौसा मौसी बोल रहे हैं कि आमने सामने में कोई सा मंदिर है वहाँ पर ही जाके देखते हैं इतना पहाड़ के ऊपर में कौन सा मंदिर है शायद शिव मंदिर है बोल रहे हैं जाके देखते हैं कैसे है वहाँ का व्यू और आप लोग को भी दिखाने का कोशिश करते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग 3 घंटा हो गया हम लोग फूल ही तोड़ रहे हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं पर अभी तक एक भी इस गुलेर से कुछ पक्षी नहीं मार सके हैं। देखते हैं आगे में अगर कुछ मिलता है तो आप लोग को जरूर दिखाते हैं। अभी हम लोग को फिर से पहाड़ की चोटियों में चढ़ना पड़ेगा। कैसा लग रहा पेंगुइन? 4 घंटा हम लोग जंगल में भटक रहे हैं तो फिर कैसा लग रहा है बता। जंगल जितना घूमने देखने में मजा लगता है, एक्सप्लोर करने में उतना ही डिफिकल्ट। नेक्स्ट टाइम और एक बार आएंगे तो एक ना लंबा लाठी पकड़ के चढ़ना पड़ेगा क्योंकि हाँ स्लिप बहुत होता है क्योंकि ऐसे ऐसे देखो चट्टान में गोर सब रख रख के चढ़ना पड़ता है जो कि बहुत ही मुश्किल है। ये रास्ता तो थोड़ा बहुत साफ है पर बारिश की वजह से स्लिप हाँ बहुत स्लिप होता है। हो सके तो आप लोग स्पोर्ट्स शूज पहन कर ही आओ, स्लीपर तो टूटने का चांस बहुत रहता है और बहुत मतलब एक लचक नहीं होता है क्या स्लाइड, मतलब ऐसे गोर रखने से ऐसे स्लाइड हो जाता है, हाँ ट्विस्ट हो जाता है वैसे होता है। तो एक मिनट हम लोग को कुछ दिखा है मैंने धर ले को ना नहीं करी हाँ तो नहीं रहता कहीं साइड में इतना बड़ा दांत निकल गया। अरे बेटा यहाँ मर कहाँ पर फेंक दे, हाँ फेंक दे बेसो लग भाग लगा अपन। और यहाँ पे शायद मंदिर है, बहुत एडवेंचर जगह है तो ये आराम से जाना, नीचे देख रही है ना खाली खाई है। ये शायद मंदिर आने के लिए रास्ता है इधर से दिया गया है। ये सब देख के तो लग रहा है कि कोई रहते हैं यहाँ पे, हम भी नहीं जाएंगे। वो देख सकते हो भाई हम लोग वो पहाड़ होकर के आए हैं इधर साइड। व्यू देख सकते हो भाई बहुत गजब का व्यू। दोस्तों अभी हम लोग फूल बीच के ख़त्म कर लिए और अभी पहाड़ का नीचे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और सब कोई बहुत ही थक गए हैं लिटरली, सबका गोड़ बहुत जोर जोर से दुख रहा है, किसी का तो चप्पल टूट गया और क्या बोले हालत समझ ही सकते हो। और यहाँ पर ही थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। ये कुछ मिला है पता नहीं क्या है, बताओ आप लोग कमेंट करके क्या है। अगर आप लोग गांव से हो या फिर हमारे जैसे आदिवासी खदान में आए जैसे क्या बोलती है हा? चलो गाइस अभी हम लोग शायद पहाड़ से नीचे जा रहे हैं और मुझे लगता है ये पहाड़ का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा। पर आप लोग को अनमोल का घर का ब्लॉग में थोड़ा सा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पर अभी हम लोग पहाड़ से नीचे जा रहे हैं और हम लोग शायद 10 बजे आए थे और कितना बज रहा है टाइम थोड़ा बताना 1:40
140 10 बजे आए थे 140 मतलब चढ़ने के टाइम तो हम लोग चढ़ ही गए, उतर भी जाएंगे फिर वहाँ से ऑटो में जाएंगे क्योंकि ऑटो हम लोग पहले ही आके पहाड़ के नीचे रख दिया और हम लोग शायद पहाड़ को मतलब पूरा एक राउंड किनर के आ रहे हैं, मतलब एक राउंड तो नहीं बोल सकते, मतलब जिधर जिधर से चढ़े हैं मतलब उसका ऑपोजिट साइड हम लोग अभी उतरने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी वहाँ ऑटो रख के आया था, हाँ अभी हम लोग चल के कौन जाएगा, ऑलरेडी थक गए हैं तो ऑटो से जाएंगे क्योंकि बहुत। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये है महुआ का पेड़ जो चिलू बोलते हैं, ये यही चीज को सुखा कर उसको फिर ग्रेप्स जैसे दिखता है, खाओगे इसमें, इसको खाते हैं भी, इसका दारू बनाते हैं हम लोग आप लोग को दिखाते हैं जो हम लोग पहाड़ ट्रेकिंग किए, हम लोग उस चोटी में थे और इधर से ऐसे किन्नर के आए, इधर से आए, बहुत ही मजा आया ये पहाड़ ट्रैकिंग करने में, कुछ मजा नहीं आया बहुत थक गए, ये बात पे बताना अभी जाके भाई बढ़िया से फ्रेश होके खाना पीना खा के सो जाने का, और कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो ये है गांव घर का छोटा सा घर, ये झमड़ा में कद्दू है ना, कद्दू लेके जाओ, लौकी। तो यहाँ पे हम लोग पानी पीने रुके हैं और देसी मुर्गी एक आध तो खाने का मन करेगा तो ले जाएंगे अभी। ये अनमोल डील उल कर जा, तो हम बात कर दे भाई की लौकी खरीदे हैं, कितना ले लगा अनमोल। ये रहा गाइस हम लोग का टेम्पू और अभी इसमें बैठ के घर जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो और हमने जिलो फूल इतना कलेक्ट किए हैं, तो मैं आपको इसको बनाने का प्रोसेस जरूर बताता हूँ। पहले तो आपको कोई कढ़ाई में आपको पानी में इसे गर्म पानी में बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद आपको इससे पानी से अलग करना है, निचोड़ निचोड़ कर, और अलग करने के बाद आपको प्याज टमाटर काट के उसको आराम से नमक डाल उसके ऊपर आपको चिनोर फूल डालना है। चिनोर फूल में आप कोई मसाला ऐड ना करें, आप वैसे ही प्लेन बनाएंगे बना के खाएंगे तो बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।